इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। साबिक जिले वजीर रमेश जारकीहोली मामला अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा। अब मामला बेलगामा पहुंचा है। हासिल इत्तला के मुताबिक एपीएमसी पुलिस थाने में फरियाद दर्ज की है, एक लड़की गुमशुदा हो गई। अब क्या रमेश जारकीहोली मामले में जो लड़की है क्या वो बेलगाम से है, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। कल रात एपीएमसी पुलिस थाने में लड़की लापता होने की फरियाद दर्ज करने की पक्की इत्तला है। पिछले कई दिनों से रमेश जारकीहोली सेक्सडी को लेकर रियासत की सियासत में हंगामा मचा हुआ है। जिला वजीर को इस मामले में इस्तीफा तक देना पड़ा। कांग्रेस की जानिब से रमेश जारकीहोली को गिरफ्तार करने की मांग की गई तो सीडी में जो लड़की मौजूद है उसने वीडियो के जरिए जान को खतरे में होने की बात कही है। मामला क्या बेलगाम शहर तक पहुँचा है? क्या बेलगाम ही की लड़की साजिश का हिस्सा है? आखिर ये लड़की कौन है, ऐसा सवाल बार बार मीडिया के जरिए किया जा रहा है। बेलगाम पुलिस की जानिब से, खासकर मार्केट पुलिस थाना और एपीएमसी की जानिब से पुलिस के मखसूस दस्ते को मुंतखब किया गया जो इस लड़की की तलाश कर रहा है। गुमशुदा लड़की हनुमान नगर की होने की भी बात कही जा रही है, पर किसी तरह की तस्दीक अब तक नहीं हुई है। फरियाद में लिखा गया है कि लड़की को अगवा किया गया और बेंगलोर में रखा गया है, इसे जहनी और जिस्मानी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, ऐसा भी कहा गया। रमेश जारकीहोली मामला ना सिर्फ रियासत में बल्कि पूरे मुल्क में काफी सुर्खियों में रहा। रमेश जारकीहोली की हिमायतियों ने सीडी फर्जी और इसे एडिट कर साजिश के तहत बदनाम किया गया है, ऐसा इनका कहना है। यमकन मंडी के एमएलए और कांग्रेस कायद सतीश जारकीहोली ने भी इस मामले को सीबीआई जांच की मांग करते हुए जल्द सच को सामने लाने का मुतालबा किया है। एक बार फिर बेलगाम एपीएमसी में सीडी में मौजूद लड़की अगवा होने की फरियाद के बाद मामले ने फिर अलग रुख अख्तियार किया हुआ। क्या तमाम सीढ़ी मामले के पीछे बेलगाम ही वजह है, ऐसी चर्चा हर तरफ जारी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की जानिब से सरकारी सहूलतों को फराहम करने को लेकर बेलगाम डीसी को मुतालबा पेश किया गया। डीसी दफ्तर के सामने दोपहर तक तमाम एहतजाजी बैठे रहे और अपनी मांगों को मानने का मुतालबा किया। 2015 के बाद रिटायर्ड होने वालों को महीना 5,000 पेंशन, ईएसआई की मेडिकल सहूलतों को भी दिया जाए, ऐसी इनकी मांग है। बेलगाम चिक्कोड़ी समेत रियासत के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 1700 फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है, लिहाजा और भी फर्जी डॉक्टरों की तलाश जारी है और इन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा वजीर सेहत के सुधाकर ने कहा। उन्होंने महंतेश कोडगिमट के सवालों को जवाब देते हुए ये तमाम बातों को सामने रखा। बेलगाम चिक्कोड़ी दावनगिरी बेंगलोर बीजापुर टुमकूर रायचूर में भी फर्जी डॉक्टरों की तादाद में जबरदस्त इजाफा होने की बात कही जा रही है। अब तक तलाश कर 1700 फर्जी डॉक्टरों पर तो कार्रवाई की गई है। रियासत महकमा की जानिब से जिले सेहत महकमाओं को जल्द दिगर फर्जी डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होगी, ऐसा सेहत महकमा की जानिब से कहा गया है। रहमान फाउंडेशन एक सामाजिक खदमात अंजाम देने वाली मशहूर तंजीम है। इल्मी समाजी मेडिकल शोबे में हमेशा सरगर्म रहती है, लिहाजा बेलगाम शहर में भी रहमान फाउंडेशन की जानिब से नुमानी हॉस्पिटल का कयाम अमल में है। लिहाजा मौलाना सज्जाद नुमानी के हाथों 20 तारीख यानी कि 20 मार्च को इफ्तिताही इजलास होगा। नुमानी अस्पताल सुभाष नगर में 20 तारीख को इफ्तिताह के इस कयाम को अमल में लाया जाएगा। अब्दुल कलाम फाउंडेशन सुभाष नगर की जानिब से 23 मार्च को ब्लड डोनेशन कैंप उज्जवल नगर नूर मस्जिद के पीछे रखा गया है। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, लिहाजा एक बूंद खून किसी की जिंदगी बचा सकती है, लिहाजा इसमें शरीक होकर कसीर तादाद में ब्लड डोनेट करने की कोशिश करें, ऐसी गुजारिश भी की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।